हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिदी। एंड आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं बीएचयू एमए हिस्ट्री के पूछे गए 2019 में आप लोगों से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था वो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं, उसमें मैंने आप लोगों को 60 क्वेश्चन तक करवा दिया था, तो आज हम लोग 61 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। 61 से लेकर के 120 क्वेश्चन जितने आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन आज की वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। तो चलिए देखते हैं सबसे हमारा 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 61 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हु वॉज द किंग ऑफ इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। भारत की आजादी के समय ब्रिटिश का राजा कौन था? आपके ऑप्शन है एडवर्ड 8, जॉर्ज 3, एडवर्न 7 या जॉर्ज 6। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज 6 थे। कब? भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का राजा कौन था? जॉर्ज 6। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 है, डॉन सोसाइटी वॉज एस्टेब्लिश इन 1902 टू प्रमोट। तो 1902 में जो डॉन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए की गई थी? भारतीयों के बीच वैज्ञानिक शिक्षा के लिए। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है हु वॉज डिस्पैच टू ड्रॉ द इंटरनेशनल लाइन ऑफ बॉर्डर बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान इन 1893। तो ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच सन 1893 में अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा को खींचने के लिए निश्चित करने के लिए किस ब्रिटिश अधिकारी को भेजा गया था? तो आपके ऑप्शंस थे लॉर्ड किचनर को, फ्रांसिस यंग हस्बैंड को, रॉबर्ट मैकमोहन को या मोंटिमर डूनट को। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, मोंटिमर डूनट को। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 है व्हेन वाज द फर्स्ट फेमाइन कमीशन इंस्टीट्यूट अंडर सर रिचर्ड स्ट्रेचे। तो सर रिचर्ड स्ट्रेची के नेतृत्व में पहला अकाल आयोग कब स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन थे 1867 में, 1878 में, 1886 में या 1898 में। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे ये सेटअप कब किया गया था आपसे पूछा जाए तो वो था 1878 में, और अगर क्रिएट पूछेगा तो क्रिएट अगर आपसे पूछेगा तो वो था आप लोगों का 1880 में ये क्रिएट किया गया था। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये दोनों ही चीजें पूछी जा सकती है। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 है आप लोगों का, नेम द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनल अवार्ड इन 1932। तो आपको उस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने जो 1932 में जो पंचायत कम्युनल अवार्ड को पारित किया था उनका नाम बताना है। तो उसका आपके ऑप्शन दे रखे थे सर क्लेमेंट एटली ने, मैकमिलियन ने, विंस्टन चर्चिल ने या राम से मैकडॉलन ने। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 4। तो डी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ है लाला हरदयाल फाउंडेड द गद्दार पार्टी इन 1913 एट विच सिटी। तो जो 1930 में जो लाला हरदयाल ने जो गदर पार्टी की स्थापना की थी वो कौन से शहर में की थी? तो वो की थी आप लोगों की सैन फ्रांसिस्को में। तो आपका राइट आंसर यहाँ होता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1933। तो 1933 में इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आप लोगों का नीली सेन गुप्ता। तो आपके राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ेंगे। इसमें पूछा गया है व्हाई डिड द मुस्लिम लीग सेलिब्रेट द 1st अक्टूबर 1939 एज द डे ऑफ डिलीवरेंस एंड थैंक गिविंग। तो 1st अक्टूबर 1939 को मुस्लिम लीग ने धन्यवाद ज्ञापन दिवस और मुक्ति दिवस के रूप में क्यों बनाया था? ब्रिटिश सरकार ने एक अलग देश पाकिस्तान को आधिकारिक रूप में स्वीकार किया था इसलिए ये सेलिब्रेट किया गया था। कांग्रेस ने सांप्रदायिक प्रसंग को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था इसीलिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। थर्ड ऑप्शन आपको दिया था, कई सूबों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने युद्ध को लेकर के इस्तीफा दिया था या हिंदू मुस्लिम प्रश्न को अध्ययन करने के लिए एक आयोग गठित किया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 कि कई सूबों में कांग्रेस जो मंत्रिमंडल थे उन्होंने युद्ध को लेकर के क्या दिया था, इस्तीफा दे दिया था, रिजाइन कर दिया था। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 3।
क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 आपसे कह रहा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज रिस्पॉन्सिबल इन प्रोमोगेटिंग द स्लोगन अखंड हिंदुस्तान। तो अखंड हिंदुस्तान के जो नारे थे किस संस्था से पारित किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर है आपका RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है ये अखंड हिंदुस्तान के इन्होंने नारे दिए थे, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, वेयर वॉज गांधी वेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। तो 1947 में जब हमारे भारत आजाद हुआ था उस समय गांधी जी कहाँ पर थे, आपके ऑप्शन दे रखे थे लाहौर में, अमृतसर में, दिल्ली में या कलकत्ता में, तो वो थे कलकत्ता में। आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। कलकत्ता को आप लोग जानते हैं आज के प्रेजेंट टाइम में हम इसे क्या बुलाते हैं, कोलकाता बुलाते हैं, तो ये दोनों ही ऑप्शन आप लोगों को याद रखना है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 आपसे पूछा गया है, वेयर वॉज द ऑल इंडियन किसान सभा स्टैब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अखिल भारतीय किसान सभा जो है पहले किस स्थान पर स्थापित किया गया था, आपके ऑप्शन से पटना में, गया में, भागलपुर में या लखनऊ में, तो वो स्थापित किया था लखनऊ में, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, वेयर वॉज द ऑल इंडियन वुमेन कॉन्फ्रेंस स्टैब्लिश। तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ पर स्थापित किया गया था, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता या मद्रास में, तो आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मद्रास में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, हु वॉज नॉट द फाउंडर मेंबर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इनमें से वो कौन है जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक सदस्य नहीं था, आपके ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव या मिन्नू मसानी या पीटी राणा देव, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये जो है ये थे आप लोगों के स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष। ठीक है, तो ये स्वतंत्र पार्टी के थे बाकी सारे, तो इसलिए आपसे नहीं पूछा गया ऑप्शन में, इसलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, बाकी सब जितने ऑप्शन आप देख रहे हैं बाकी सब क्या है, कांग्रेस सोशल पार्टी के क्या थे, यहाँ पे मेंबर रह चुके हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है, हुआ द फाउंडर ऑफ नवजीवन भारत सभा इन 1928। तो 1928 में जो स्थापित किया गया था नव भारत भारत सभा, उस समय के संस्थापक कौन थे, तो थे वो भगत सिंह, तो आपका राइट आंसर यहाँ है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 75 है, हु स्टार्टेड द सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक की स्थापना किसने की थी, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसकी स्थापना की थी ज्योतिराव फुले ने। ठीक है, ज्योतिराव फुले ने, जो आपके ऑप्शन में देख रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे राइट आंसर है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। 76 कह रहा है, विद द कैप्चर ऑफ होम कुड द रिवोल्ट ऑफ 1857 बी सेड टू हैव एंडेड। तो इनमें से कौन से किसकी गिरफ्तारी हो जाने के बाद ये कहा जाता है कि 1957 का जो विलप है उसका अंत हो गया था, तो आपके ऑप्शन है कुंवर सिंह, नाना साहिब, तात्या टोपे या बेगम हजरत महल। तो स्टूडेंट इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो ये आप लोगों का होमवर्क है, तो आपको मुझे इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताना है। आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। स्टूडेंट हम ऐसे ही अपने 120 क्वेश्चन को कवर अप करने वाले हैं। आप चाहे BHU के स्टूडेंट हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी या JNU, आपके ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले, क्योंकि MA हिस्ट्री से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन ही आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो हेल्पफुल रहेगा। तो आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर, वो पूरी कोशिश करो कि सारे क्वेश्चन के आंसर आप खुद ही सॉल्व करो और देखो कि आप लोगों को कितनी तैयारियां हो रही है। ओके, आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म ईश्वरचंद विद्यासागर वॉज नोन। किस समाज सुधार के विषय संदर्भ में ईश्वरचंद विद्यासागर को जाना जाता है, तो वो जाना जाता है उन्हें विधवा पुनर्विवाह के लिए, विडो रिमैरिज के लिए, तो आपका राइट आंसर होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, हु फाउंडेड द ऑल इंडियन हरिजन सेवक संघ इन 1932। तो 1932 में अखिल भारत हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, अंडर हुज लीडरशिप पीजन कैरिड आउट द बारडोली सत्याग्रह। तो किसके नेतृत्व में किसानों ने बरदाली जो सत्याग्रह चलाया गया था, आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी,
राजकुमार शुक्ला, सरदार वल्लभ भाई पटेल या भूलाभाई देसाई। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो स्टूडेंट अगर आप लोगों ने नोटिस कराया तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन यहाँ पे देखे गए हैं वो कहाँ से पूछे गए हैं, आपके मॉडर्न हिस्ट्री से। तो पूरी कोशिश करो अगर आप PHU एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछे जाते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है, इन फ्लोरेंस सिटी द मेडिसी फैमिली वॉज फेमस फॉर विच एक्टिविटी। तो वो किस एक्टिविटी के लिए फेमस थे, तो वो थे आपके बैंकिंग। तो आपके किसके लिए, ये कॉमर्स एंड बैंकिंग के लिए ये फेमस थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। 81 है आप लोगों का, विच आर्टिस्ट पेंटेड द फेमस पेंटिंग द लास्ट सुपर। तो किस चित्रकार ने जो सबसे फेमस पेंटिंग है द लास्ट सुपर पेंटिंग, ये किसने बनाया था। तो ये बनाया था आपकी लियोनार्डो द विंची ने। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, हूज नेम इज एसोसिएट विद द प्रिंटेड टाइप वर्ड। इनमें से कौन प्रिंटेड टाइप अक्षर से संबंध थे। तो आपके ऑप्शंस थे कांटीगलोन, एएसएमएस या टीवी लीवी या जे गुटनबर्ग। तो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने एस्टेब्लिश किया, तो ये बात भी याद रखना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि तिलक इंट्रोड्यूस द गणपति फेस्टिवल इन जो, बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने गणपति फेस्टिवल का उत्सव जो है कब आरंभ करवाया था। तो वो करवाया था 1893 में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, इन इंग्लैंड द फर्स्ट रिफॉर्मिस्ट चर्च वॉज नोन एज। इंग्लैंड में प्रथम सुधारवादी चर्च किस नाम से जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन है ब्रिटेन के अनापिस्ट से, एंग्लिन से या पुरोटिन से। तो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 है, विच सिटी ऑफ इटली हेल्ड मोनोपोली ऑन स्पाइस ट्रेड इन वेस्टर्न यूरोप। तो इटली का कौन सा वो नगर पश्चिम यूरोप में मसाला व्यापार का एक अधिकार रखता था, तो वो था आप लोगों का वेनिस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 है, विच यूरोपियन किंग वॉज ऑल्सो नोन एज द नेविगेटर। तो वो कौन सा यूरोप का राजा था जिसको द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है, तो वो थे आप लोगों के प्रिंस हेनरी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, द ऑथर ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ द हेवनली स्फीयर। तो खंगोलीय क्षेत्र के ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ द हेवनली स्फीयर के लेखक कौन थे, तो वो थे कॉपरनिकस। आपके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, अंडर हूज द रूल फ्रांस बिकेम द लैंग्वेज ऑफ पोलाइट सोसाइटी एंड व्हीकल ऑफ डिप्लोमेटिक एक्सचेंज। किस सम्राट के काल में फ्रेंच भाषा सभ्य समाज तथा कूटनीतिक वार्तालाप की संवाहक बन गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लुईस XIV। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। विच एम्परर ऑफ स्पेन अज्यूम द टाइटल ऑफ डिफेंडर रोमन कैथोलिज्म इन यूरोप। तो स्पेन के किस सम्राट को यूरोप में रोमन कैथोलिक धर्म के रक्षक के रूप से जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन थे चार्ल्स II, फिलिप IV, फिलिप III या फिलिप II। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फोर, यानी कि डी, फिलिप II। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया का किस वंश का शासन था, किसका था, बॉबन का, स्टुअर्ट का या हैब्सबर्ग का। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया, फिर 90 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया स्टूडेंट, ऐसे हम अभी 120 करने वाले हैं। तो आप लोगों को अब तक कितने क्वेश्चन सही है सब मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो चलिए आगे अपने 90 क्वेश्चन 91, क्योंकि मैं इसलिए स्पीड से करूँ ताकि ज्यादा टाइम और आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मैं इस वीडियो में कवर अप कर सकूँ। आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। 91 है, द सिग्निफिकेंस ऑफ ईयर 1688 विच वॉज टर्म एंड ग्लोरियस रेवोल्यूशन फ्रॉम होम विलियम एंड मार्की एक्सेप्टेड द थ्रोन। वर्ष 1688 को गौरवशाली क्रांति की महत्वता इस तथ्य से थी कि विलियम और मैरी ने राज सिंहासन किसे प्राप्त किया था, तो वो क्या था, संसद से। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, हु वॉज द इम्पोर्टेंटली एसोसिएटेड विद द रीजन ऑफ टेरर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन।
तो फ्रांस की क्रांति के अंत तक के शासनकाल में कौन सा व्यक्ति था जो सर्वोपरि रूप से संबद्ध था, तो वो थे आपके रॉबेस्पियर। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे 93 की तरफ। 93 क्वेश्चन है आप लोगों का, आफ्टर रेवोल्यूशन इन फ्रांस हु स्टेटेड आई फाउंड द क्राउन ऑफ फ्रांस लेइंग ऑन द ग्राउंड एंड आई पिक्ड इट अप विद माई स्वेट। तो क्रांति के पश्चात फ्रांस में किस नेता ने कहा था कि मैंने फ्रांस में राजमुकुट को जमीन पर गिरते हुए देखा है और तलवार के जरिए उठाकर धारण भी किया। तो ये बात बोली थी नेपोलियन ने। तो आपका राइट आंसर होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। फॉलोइंग द साइंटिफिक रेवोल्यूशन विच थिंकर एम्फसाइज दैट न्यू नॉलेज हैड टू बी पर्सुएड थ्रू एम्पिरिकल मेथड। वैज्ञानिक क्रांति के पश्चात के दार्शनिक ने यह बताया था कि ज्ञान अनुभूति मूलक प्रविधि से प्राप्त होता है। आपके ऑप्शन थे ब्रायन ने, गैलीलियो ने, या आर डिकार्ट ने, या एफ बेकन ने। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, डी यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है फॉलोइंग द एनलाइटनमेंट हु रॉट द फेमस वर्क एसी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। तो ये बात किसने बोली थी, ये बोली थी जॉन लॉक ने। तो आपका यहाँ राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। रॉबर्ट बॉयले इज प्रीमियरली नोन फॉर हिज इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ। तो रॉबर्ट बॉयले जो है किस क्षेत्र के उल्लेखनीय आविष्कार के लिए जाने जाते हैं, तो वो जाने जाते हैं आप लोगों के लिए रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के लिए। आपका यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। 97 कह रहा है विच जार रशियन हिस्ट्री इज नोन एज जार लिबरेटर। तो रूस के इतिहास के किस जार को मुक्तिदाता जार कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 3, अलेक्जेंडर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 है। इन ईयर 1890 हु असेंडेड द थ्रोन ऑफ जर्मन एम्पायर। तो हमारे जर्मनी के वर्ष में 1890 में जर्मनी के कौन सिंहासन रूढ़ हुए थे, आपके ऑप्शन विलियम फर्स्ट, ओटो वन लाइबच, या वी लिटके, या केसर विलियम सेकेंड। तो आपका राइट आंसर होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 द फर्स्ट बल्कन हु ब्रोक आउट इन विच ईयर। तो वो था आप लोगों का 1911 में। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग मेजर पीरियड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो प्रथम विश्व युद्ध में ज्यादा अवधि कि में कौन सा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहे थे, तो वो थे आप लोगों के HS Asquith। तो आपका राइट आंसर था यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। स्टूडेंट मैंने आपको 100 क्वेश्चन करा दिया, 120 तक करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है और आपको तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जरूरत थी, इसलिए मैं एक ही वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रही हूँ। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना और जितनी बातें मैं आपको यहाँ करा रही हूँ ये क्वेश्चन जरूर करके जाना अपने एग्जाम के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे। द फर्स्ट एशियन कंट्री टू बिकम इंडस्ट्रियलाइज, वो पहला एशिया वो कौन सा औद्योगिकरण हुआ था, वो कौन सा देश था, तो वो था आप लोगों का जापान। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 102 आएगा। विच किंगडम लेड द यूनिफिकेशन प्रोग्रेस इन जर्मनी, किस राज्य ने जर्मनी के एकीकरण को नेतृत्व प्रदान किया था, तो वो किया था पर्सा ने। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 103। वेन वॉज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी आप लोगों की 24 अक्टूबर 1945 को। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे 104 की तरफ। हु लेड द बोस्मिक ग्रुप इन रशिया ड्यूरिंग रशियन रेवोल्यूशन, तो रूसी क्रांति के दौरान रूस बेल्शोविक समूह का नेतृत्व किसने किया था, तो आपके ऑप्शन से कार्ल मार्क्स ने, स्टालिन ने, व्लादिमीर लेनिन ने, या जार निकोलस ने। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 105 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आफ्टर कॉर्नेशन विच टाइटल वॉज टेकन बाय मुत्सहितो, तो मुत्सहितो को टाइटल किसको दिया, को धारण ये उपाधि किसको धारण किया था, मेजी ने। तो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 106 पे। बिटवीन विच टू नेशन द ट्रीटी ऑफ, तो ट्रीटी हुई थी आप लोगों की ट्रीटी ऑफ सिमोनेसी क्या, तो ये कौन से संपन्न हुआ था, कौन से दो देशों के बीच में, तो ये हुआ था आप लोगों के चाइना और जापान के बीच में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 107 है। विच कंट्री इम्प्लीमेंटेड द ओपन डोर पॉलिसी इन रिलेटेड टू द ट्रेड विद चाइना, तो चीन के व्यापार से संबंध
उन्मुक्त द्वार नीति किस देश द्वारा अपनाई गई थी? तो वो अपनाई गई थी अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का यहाँ राइट होता है। 108 क्वेश्चन देखेंगे। हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ड्यूरिंग सिविल वॉर ऑफ चाइना? तो चीन का जो गृह युद्ध हुआ था उस समय पे जो चीनी का साम्यवादी दल का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे आपके जियांग के शेक। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। हु वॉज द फर्स्ट शोगन ऑफ जापान? तो जापान का प्रथम शोगन कौन था? तो वो था आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, योरियो टोमो। ओके, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 द अनाउंसमेंट ऑफ जापान न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड ऑन। तो जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब बनाया गया था? तो वो बनाया गया था 1889 में। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 111 क्या कह रहा है। व्हेन वाज द रिपब्लिक ऑफ टर्की ऑफिशियली फाउंडेड? टर्की के गणतंत्र की विविधता की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1923 में। डेट भी याद कर लो, 29 अक्टूबर 1923 को उसकी स्थापना हुई थी। क्लियर। 112 है, आफ्टर द सिक्स डे वॉर ऑफ 1967 व्हाट लैंड डिड इजराइल गेन? तो जो हमारे सिक्स द्वे से 1967 के युद्ध के पश्चात इसराइल ने कौन सी भूमि अधिग्रहित की थी? तो वो की थी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, सिनाई पेनिनसुला और गोलन हाइट। तो आपका राइट आंसर यहाँ होता है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे 113 की तरफ। इजिप्शियन रेवोल्यूशन दैट ओवर थ्री मोनार्की टुक प्लेस इन विच ईयर? तो किस वर्ष में जो ये मिस्र क्रांति द्वारा राजतंत्र हुआ था? तो वो था 1952 में। ओके, आगे देखेंगे 114। इन मे 1967 व्हाट वॉज क्लोज्ड बाय नसीर ऑफ इजिप्ट दैट प्रोवोक्ड इसराइल टू अटेक इजिप्ट? तो मई 96 में मिस्र के नासिर द्वारा क्या बंद किए जाने से इसराइल ने मिस्र पर आक्रमण किया था? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बताना है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा। तो आपके राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेट ऑफ तिरेन, तिरान का जलडम रूम मध्य। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 115, व्हाट वॉज द नेम ऑफ द इस्लामिक लॉ अबॉलिश्ड बाय एट्रूक? तो जिस इस्लामी कानून को आंतर तुर्क ने रद्द कर दिया था वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है शारिया। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 116 है, व्हाट इज जियोनिज्म? तो जियोनिज्म क्या है? अ स्कूल आपका जो राष्ट्र धर्म का एक ग्रंथ है, जमानी बौद्ध धर्म का संप्राद्य है, आक्रामक विदेश नीति है या अवधारणा जिसकी मान्यता है कि यहूदियों का अपना राज्य होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। 117 क्वेश्चन देखेंगे। इन मार्च 1912 सुन याट-सेन सरेंडर द प्रेसिडेंट इन फेवर ऑफ हुम? तो मार्च 1912 में किसके समर्थन में सुन याट-सेन ने अध्यक्ष पद का त्याग दे दिया था? तो वो दिया था ग्यू वेजियोन से। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, एक मिनट गाइस, यहाँ पे गलत हो गया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, युआन सिकाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 है, ऑन 21 सितंबर 1949 विच कम्युनिस्ट पार्टी चेयरमैन डिक्लेयर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना? तो 21 सितंबर 1949 को किस कम्युनिस्ट पार्टी अध्यक्ष ने पीपल्स रिपब्लिक जो चाइना की स्थापना की घोषणा की थी? वो थे माओ जेडोंग। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। 119 है, व्हाई डिड जापान डिसाइड टू अटैक पर्ल हार्बर? तो जापान ने पर्ल हार्बर पर क्यों आक्रमण किया था? और इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी देखने को मिलता है स्टूडेंट। तो हो सके तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन करके जरूर जाना। ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग अपने एग्जाम में अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने आक्रमण क्यों किया था? क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया के जापानी अंतरिक्ष क्षेत्र पर अमेरिका आक्रमण का प्रतिरोध था। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा 120। ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन थर्ड स्टेट कॉल्ड देमसेल्फ? फ्रांस की क्रांति के समय तृतीय स्टेट ने स्वयं को क्या कहा था? स्टेट काउंसिल, नेशनल असेंबली या कौंसिलेट? तो उसका राइट आंसर है नेशनल असेंबली। तो उसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट यहीं पे आप लोगों का खत्म हो जाता है
आप लोगों के BHU के MA हिस्ट्री के 2019 का आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने आपको आज कंप्लीट करा दिया है। ओके, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, BHU कोई भी स्टूडेंट है, ये सारे क्वेश्चन आप जरूर करके जाना, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन आपके हर एंट्रेंस एग्जाम में पूछ जाते हैं। ओके, आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।